खबर शामिल करते रहे मीर खान के नवे इलाके माचका से। माचका बा असर शख्स गरीब का ट्रैक्टर भी वापस ना किया और उल्टा जमीन पर भी कब्जे की कोशिश। माचका के मोजा भारो के रहशी मोहम्मद नवाज सुलंगी ने अपने बच्चों और भाइयों के हमरा एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम ऐद किया है कि मैंने एक साल कबर अपने ट्रैक्टर 385 अपनी बिरादरी के शख्स सुमार वल्द बाग अली सुलंगी को दी। सुमार सुलंगी ने स्टाम्प लिख कर दिया कि अगर मैं एक साल बाद नई ट्रैक्टर लेकर दूंगा, अगर ना लेकर दिया तो एक ट्रैक्टर के बदले मैं एक एकड़ ज़मीन आपको दूंगा और ज़मीन का खाता भी दूंगा। मगर एक साल गुजर जाने के बाद ट्रैक्टर नया ना लेकर दिया, मगर इसने एक एकड़ ज़मीन मुझे दे दी, मगर ज़मीन का खाता देने से भी इनकारी है। ज़मीन पर मैंने झोंपड़ी बना ली और माल मवेशी बांध का कब्जा ले लिया है। अब सुमार सुलंगी की नीयत खराब हो गई और ज़मीन देने से साफ इनकारी है और कहता है कि मैं ज़मीन छोड़ दूँ वरना जान से मार दूँगा, मुझे कमान की फसल में पानी भी नहीं लगाने देता। लाखों रुपए का कमान सूख गई है, ऐ रोज झूठे मुकदमा में संगीन नतज की धमकियाँ देता है, जानी और माली नुकसान पहुँचाने पे तुला हुआ है। इसको मकामी बासर शख्स कामरेड अब्दुल हकीम के सरपरस्ती हासिल है, थाना माचका में दरख्वास्त दे दी है। एक हफ्ता हो चुका है ताहल कार्रवाई ना हुई। उन्होंने DPO रहीमियर खान, DSP सर्कल भोंग, SHO माचका साहब से मुतालबा किया है कि साफ शफाफ इंक्वायरी करके मेरी हक सही की जाए और संगीन नतज की धमकियाँ देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ सैयद सईद अहमद जिलानी, ब्यूरो चीफ JN News, रहीमियर खान।